हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के खास अवसर पर 1 सितंबर 2024 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में श्री वैश्य वाष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा दिल्ली एनसीआर द्वारा 22वें कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम निवास गोयल अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, श्री अजय महावर विधायक गोंडा एवं जय भगवान गोयल वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। समारोह में श्री वैश्य वाष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जालीवाले, महासचिव संजीव वाष्णेय, कोषाध्यक्ष सीए प्रदीप वाष्णेय, सांस्कृतिक सचिव अनुप्रिया गुप्ता एवं सभी संरक्षक और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। समारोह में समाज के हजारों गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि अन्य शहरों से भी समारोह में उपस्थित दर्ज कराने पहुंचे थे। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि कार्यक्रम में समाज की महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किए गए सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिसमें महिलाओं ने श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर उनके हर रूप को बहुत ही सुंदरता से पेश किया। साथ ही हर देवी देवता के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विश्व विख्यात भजन गायक पारस लाडला जी और सुप्रसिद्ध भजन गायिका दीदी माधवी शर्मा ने अपने गीतों से सबका मन मोह लिया और शाम को कृष्ण लीला में मंत्रमुग्ध कर दिया। हर वर्ष की भांति 22वें साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत ही शानदार रहा और लोगों ने बहुत ही आनंद लिया। जन्माष्टमी का प्रोग्राम वाष्णेय समाज द्वारा आयोजित किया गया, उनके सब पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत कार्यक्रम मंच पर चल रहे हैं। समाज की महिलाओं ने कृष्ण लीला के प्रोग्राम किए, बहुत सुंदर दृश्य हैं, अच्छा देखने लायक। उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं मुकेश गुप्ता जालीवाला, अध्यक्ष वैश्य वाष्णेय समारोह से हूँ। ये निरंतर भव्य से भव्य प्रोग्राम हो रहा है, समाज के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जितने भी लोग आज यहाँ आए सभी ने ठाकुर जी के कार्यक्रम का एंजॉय लिया, प्रसाद ग्रहण किया और अभी कार्यक्रम पर भी छतन चलता रहेगा। ये समाज को एक दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, परिवारों से परिवार मिलते हैं। तकरीबन 2000 के आसपास लोग यहाँ हैं। मेरा नाम संजीव वाष्णेय है और मैं फैकल्टी हूँ, सीए की क्लासेज, सीए के स्टूडेंट्स की क्लासेज लेता हूँ। पिछले 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं संस्था भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो हमारी संस्था है श्री वैश्य वाष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा दिल्ली एनसीआर, इसमें हर साल हम जन्माष्टम कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज भी आपके सामने चल ही रहे। हमारे समाज के बच्चे महिलाएं सब कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। अभी भी पारस लाडला जी आए हुए, माधवी जी का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे समाज के सभी संरक्षक, परामर्शदाता, भोजन सहयोगी और बहुत सारे विज्ञापन प्रायोजक और इन सब लोगों के सहयोग के कारण हम अपना ये प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मना पा रहे हैं। सीए प्रदीप वाष्णेय, श्री वैश्य वाष्णेय समाज, श्री वैश्य वाष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा का कोषाध्यक्ष इस बार रहा मैं और बहुत बहुत बधाई इस उत्सव के लिए मैं सभी को देना चाहता हूँ जिन्होंने तन से, मन से और धन से अपना योगदान दिया। वाकई में हर व्यक्ति जो चाहे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से इस संस्था से जुड़ा है उसका मैं दिल की गहराई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ही हमारा 22वां उत्सव था और जैसा इसको हमने टैगलाइन किया कि 22वां साल धमाली धमाल और यहाँ इतने जन समूह को देखकर लगता है कि वाकई ये धमाल कर गया। आज के समारोह के बारे में कुछ बताएं सर जी। वाष्णेय समाज श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का 22वां कृष्ण उत्सव मना रहा है और हमारे मनाने का मुख्य उद्देश्य इसका यह होता है कि वाष्णेय समाज जन जन में उस कृष्ण की लीला और उसकी जो भावना थी संसार में आकर के अपनी बातों को देने की, हम इस कलयुग में तपस्या, त्याग,
कर्मठता, ईमानदारी, परोपकार और शिक्षा का आगे ले जा सके, ये हमारे वार्षिक जन की मुख्य रूप से भावना होती है। इसी संगठन के माध्यम से हम पूरे वार्षिक जन को इकट्ठा करते हैं और महासिव मंच से इन्हीं बातों को लेकर के बच्चों को देते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्र के निर्माण की अगली कड़ी है। यदि बच्चे हमारे इन बातों को लेकर चलेंगे तो हमारा राष्ट्र सर्वोपर होगा और जो हमारा सपना है विश्वगुरु का, वह सपना अवश्य साकार होगा। और ये सपना तभी साकार हो सकता है जब बोलने वाला जो वक्ता है वो अपनी जिस बात को कह रहा है वे अपने जीवन में उतार रहा हो और सभी से अपेक्षा कर रहा हो। अन्यथा कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, 15 अगस्त हम जो मनाते हैं ये किताबों तक रह जाएंगे। आइए हम प्रण लें, भगवान कृष्ण की कसम लें कि हम इनको अपने जीवन में उतार दें। यही कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। मैं ये समझता हूँ कि कार्यक्रम तो टीवी पर भी हम देखते हैं, कार्यक्रम तो हम मतलब बहुत बहुत जगह देखते हैं, लेकिन ऐसी जन भावना को व्यक्त करने के लिए वे व्यक्ति आगे आए जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं अपनी भावनाओं के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि जो भी इन बातों को सुने वो इसका अमल करे, इनको अपने ध्यान में चरित्र में लेके आए, ये चरित्र निर्माण हम स्वयं अपना करेंगे। आज का कार्यक्रम हमारी संस्था का 22वां कार्यक्रम और इस ऑडिटोरियम में ये तीसरा चौथा कार्यक्रम। दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े बाल कटोरा इंस्टीट्यूट है, यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ये आपका ये वाला कम्प्लेक्स है, सभी जगह हम लोग बारी बारी से कार्यक्रम रेड करते हैं। और ये कार्यक्रम केवल दिल्ली का ही नहीं है, दिल्ली NCR अपने यूपी को और हरियाणा वगैरह को सबको सारे स्टेटों को आसपास के जितने भी एरिया है जहाँ हमारे मैक्सिमम परिवार रहते हैं उन सबको साथ में लेकर चलने के लिए कार्यक्रम है। वैसे तो दिल्ली के अंदर हमारी 20-30 संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सभी जगह बनी हुई है, लेकिन उन सबको मिला करके एक और बड़ी संस्था हम लोगों ने बनाई हुई है जिसका नाम जन्माष्टमी समारोह सभा। और ये सारी की सारी 30 संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम को अरेंज करती है और अपने समाज के सभी बंदियों को, बहनों को जो है जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सी ए शरद वार्ष्णेय है और मैं श्री वैश्यवासी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा का एक्टर हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अपना 22वां कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मना रहे हैं और 22वां कृष्ण जन्माष्टमी समारोह हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सबसे बड़े ऑडिटोरियम वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में हम मना रहे हैं इस कार्यक्रम को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में वार्षिक समाज के व्यक्ति, न केवल दिल्ली NCR बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के व्यक्ति आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपने देखा, हम अपने बच्चों का सम्मान करते हैं, मेधावी ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं हम उनको सम्मानित करते हैं। इसके अलावा हमारी महिलाओं के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और आज पारस लाडला और माधवी शर्मा जी की जोड़ी यहाँ पे अपने कृष्ण जी के भजन प्रस्तुत कर रही है। मैं यहाँ पे आए सभी व्यक्तियों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रखर वार्ष्णेय जी का और विशेष रूप से दिल्ली डेली डायरी न्यूज की टीम का, पूरी टीम का, खुशबू यहाँ पे बेटी हमारी यहाँ उपस्थित है, विकास थापा उपस्थित है, भाई प्रशांत यहाँ पे सुबह से ही उपस्थित है और भी दूसरे पत्रकार हैं, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग सुबह से आए हैं और सुबह से इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। समारोह के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार वाकने है, हम श्री अकूत जी महाराज वंशज के वार्षिक समाज की ओर से कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उसको ये जो लीला है, कृष्ण जी की लीला है, उनको ये संदेश, उनको इस बारे में पता चले और वो हमारे जो पूर्वजों द्वारा कार्यक्रम चलता चला आ रहा है वो सब सम्मिलित हों और आगे भी इसी को उसको बढ़ावा दें और जिससे कि हमारा समाज में एक कार्यक्रम ऐसा ही होता रहेगा तो हमारा समाज के जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो उसको उसके वो भी इसमें सम्मिलित होगा तो भव्य रूप से बनेगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि
हम अपनी सच्चाई पे, अपने धर्म पे, अपने कार्य करें तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। मैं अनिल वार्ष्णेय, अध्यक्ष वार्ष्णेय वैश्य समाज गुड़गांव, उपाध्यक्ष श्री वैश्य वार्ष्णेय कृषि जन्माष्टमी समारोह सभा। आज का जो ये कार्यक्रम है, 22वां श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, ये हमारे कुलाधीश भगवान कृष्णवंशी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाता है। इसके अंदर गुड़गांव की, दिल्ली एनसीआर की तकरीबन 35 संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम को मिलकर आयोजित करती हैं। लेकिन उन सब के अलावा इसमें, इस प्रोग्राम में हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से कृष्ण बंधु शामिल होते हैं और एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। अगर इस कार्यक्रम को हम वार्ष्णेय समाज का महाकुंभ कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमारा 22वां समारोह है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभा का 22वां समारोह, और ये बेमिसाल रहा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए और उन सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सब ने पूरी तरीके से इस समारोह का आनंद उठाया है। ये श्री वार्ष्णेय वैश्य जन्माष्टमी सभा की ओर से सबसे बेहतरीन समारोह में गिना जाने वाला समारोह हुआ है, और मैं समझता हूँ आगने वाले वर्षों में हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई हों, लेकिन आने वाले वर्षों में हम लोग उन गलतियों को सुधारेंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे कि अपना समारोह बहुत अच्छा बनेगा।